गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को, हैप्पी संडे। आइए आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए। आइए आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जान चुके हैं, क्लियर आ रही है? ठीक है, ओके। जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जान चुके हैं कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कि जो भी हमारा एक्शन और काम हो क्या हो, पूरा हो गया हो, राइट। तो आइए उसमें क्या था कि वर्तमान चीजें थी जो शायद आगे चल करके पूरा हो चुकी थी। अब इसमें जानते हैं पास्ट के बारे में, मतलब पास्ट तो हमारे पास्ट के एक्शन ही शो करा, लेकिन इसमें भी क्या है कि कोई पास्ट का एक्शन वो क्या है, वह कम्प्लीट हो गया था, फाइन हो चुका था। तो आइए उसे देखते हैं। जिसके बारे में इंट्रोडक्शन की बात करें, क्या हो जाएगा इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था दिया था एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं। फाइन, एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं। आई होप आप यहां तक देख चुके होंगे। आइए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, अब इसमें अगर हम हैड की बात करें तो हैड यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, इन परफेक्ट टेंसेस, ठीक है। हैड का जो यूज होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, सभी प्रकार के जितने भी कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी के साथ होता है। फाइन, आइए एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मैं कहूं मैंने अपना काम कर लिया था, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया था, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड या फिर डन, आई हैड डन, अगर पूरा करना होता तो फिर कंप्लीटेड कर देते, आई हैड डन माय जॉब या फिर वर्क। अगर मैं कहूं कि अगर मैं दूसरे से कहूं सूर्य उग चुका था मतलब कि निकल चुका था, क्या हो जाएगा, द सन हैड
राइज, रोज, और थर्ड फॉर्म होती है रिजन, राइजन। ठीक है, अगर यही होता सूर्य पूरब में निकल चुका था तो क्या हो जाता, द सन हैड राइजन इन द ईस्ट। अगर यही होता कि सूर्य पूरब दिशा में निकल चुका था, अगर यही होता सूर्य पूरब, यहां तक आ गया ना, कट तो नहीं था, आइए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये इसी सेंटेंस को ऐसे कहा जाए, सूर्य पूरब में निकल चुका था, ठीक है, सूर्य पूरब में निकल चुका था तो क्या हो जाएगा, द सन, या इसी और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, लाइए मैं इसको करता हूँ, फिर एक और इसी से बना करते हैं, द सन है, द सन हैड राइजन इन द ईस्ट, राइट। डायरेक्शंस के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है, द ईस्ट। अगर ये होता सूर्य पूरब दिशा में निकल चुका था तो क्या हो जाता, द सन हैड राइजन, ठीक है, इन द ईस्ट डायरेक्शन, या इसको कह सकते थे द सन हैड राइजन टुवार्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, फाइन। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसे मेरे आने के पहले वह घर जा चुका था, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस देखिए, एक जो है मेरा आना और दूसरा है इसमें उसका जाना, और यहाँ पे जो पहले है ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें क्या करते हैं कि लास्ट लास्ट वाले पार्ट को अकॉर्डिंग टू द जिस जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक। जैसे अब ये पास्ट परफेक्ट पढ़ रहा है तो वह घर जा चुका था, तो इसको जब बनाएंगे तो इसको पास्ट परफेक्ट के अनुसार बनाएंगे, और जब इसको बनाएंगे फर्स्ट वाले को तो इसको पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, मतलब कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करके। आई वो बातें क्लियर हो पा रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहूँ ही वह घर जा चुका था, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या कहेंगे, ही हैड गो एंड गॉन, ही हैड गॉन टू होम। अब कंजंक्शन बिफोर, बिफोर किसके आने पहले, मेरे आने के पहले, बात दोनों को बीत चुकी है, बिफोर आई आई कम केम, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को इस प्रकार से कि लास्ट वाले को जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग, और फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, अगर पास्ट है तो पास्ट के अफर्मेटिव, पास्ट का इंडिफिनिट सेंटेंस में जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक और सेंटेंस आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहता है, कि मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें भी क्या करते हैं, लास्ट वाले को पहले बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है, फिर कंजंक्शन जो दिया है उसको यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे बिफोर क्या है, कंजंक्शन है, उसके बाद फिर फर्स्ट वाले सेंटेंसेस को यानी कि स्टार्टिंग वाले सेंटेंस को वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है तो ऐसे बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वह घर जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू होम, मैंने इसको कैसे बनाया, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। अभी आया कंजंक्शन बिफोर, बिफोर और इसको कैसे बनाया कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के जैसे, फाइन। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो पा रही होंगी। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, याद आ रहा, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो कैसे बना लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर प्लस क्या, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड
से कैन फॉर्म। ठीक, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे आप इस स्ट्रक्चर के बेस पे इजीली बना सकते हैं। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। टेक योर टाइम प्लीज। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थॉट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे वह खाना नहीं खा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट निर्मला गीत नहीं गा चुकी थी। वे इतिहास नहीं लिख चुके थे। फाइन, तो इन सेंटेंसेस को आइए बनाने की कोशिश करते हैं। क्या वह खाना नहीं खा चुका था, क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट ईटन या फिर टेकन, ईट एट ईटन या फिर टेक टू टेकन, दोनों यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट, या तो यूज कर ले टेकन या फिर यूज कर सकते हैं ईटन फूड। फाइन, निर्मला गीत नहीं गा चुकी होगी तो क्या हो जाएगा? निर्मला had not sung थर्ड फॉर्म, तो निर्मला had not sung a song। फाइन, गीत नहीं गा चुके होते। ठीक है, वे इतिहास नहीं लिख चुके होंगे, सॉरी चुके थे, क्या हो जाएगा? वे इतिहास नहीं लिख चुके थे, क्या हो जाएगा? they had not, अब राइट नोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, तो दे हैड नॉट रिटेन रिटेन हिस्ट्री। ठीक है, अगर यही होता वे कहानी नहीं लिख चुके हैं तो क्या हो जाता? दे हैड नॉट रिटेन स्टोरी। अगर होता कि वे पत्र नहीं लिख चुके हैं तो क्या हो जाता? दे हैड नॉट रिटेन अ लेटर। अगर होता कि वे अवकाश पत्र नहीं लिख चुके हैं चुके थे तो क्या हो जाता? चुके थे तो अगर होता कि वे अवकाश पत्र नहीं लिख चुके थे तो क्या होता? दे हैड नॉट रिटन एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यूज होता अवकाश पत्र। फाइन, तो आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। टेक योर टाइम प्लीज। Now, interrogative sentence, तो जैसा कि आप जानते हैं ये दो टाइप का होता है। पहला कि जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो तो वो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरू होगा, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर टाइप टू की बात करें तो सबसे पहले आएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। टेक योर टाइम प्लीज। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, दोनों के एग्जांपल्स को एक ही साथ देखते हैं। जैसे मैं कहूं क्या वह दिल्ली जा चुका था, क्वेश्चन मार्क, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया था, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कहूँ आपसे उसने अपना पाठ क्यों याद
कर लिया था। आप कल देवरिया देवरिया में कहा देवरिया में ये फिर से कर देवरिया क्यों जा चुके थे। फाइन, तो ये है टाइप वन और टाइप टू के एग्जांपल्स। इन पे एक बार विचार करिए फिर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्या हुआ। दिल्ली जा चुका था तो क्या हो जाएगा हैड हैड ही गोवन गॉन टू दिल्ली। कैसे मत बाबू ये टू टू किसको शो करता है डायरेक्शन को या टुवार्ड्स बेस। ठीक है मतलब के तरफ क्या है के ओर। नेक्स्ट क्या आपने अपना पार्ट याद कर लिया था क्या हो जाएगा हैड यू हैड यू हैड यू लर्नड योर लेसन। क्वेश्चन मार्क। और ये होता कि क्या आपने अपना काम कर लिया था क्या होता हैड यू डन योर वर्क या जॉब। फाइन बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये मैं एक रास्ता बता रहा हूँ आपको। आप बुक उठाइए उस पर प्रैक्टिस करिए या फिर किसी दिन हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेशन लेंगे। ठीक है उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है और सोचिए घर पे बैठ के एक एक टॉपिक को उठाइए उनको सोचिए पहले समझिए जो एग्जांपल्स दे रहे हैं उसे पहले करने की कोशिश करिए। उसके बाद से फिर खुद सेंटेंस क्रिएट करिए और उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखते हैं उसने अपना पार्ट क्यों याद कर लिया था क्या हो जाएगा वाई ये टाइप टू है क्या हो जाएगा वाई हैड ही लर्नड हिज लेसन। क्वेश्चन मार्क आप कल देवरिया क्यों जा चुके थे क्या हो जाएगा वाई हैड यू आ रहे वाई हैड यू ठीक है वाई हैड यू क्या हो जाएगा वाई हैड यू गॉन टू देवरिया यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क एक्चुअली ये पास्ट की बात है तो हम लोग जान चुके हैं कि स्टडी का जो यूज होता है बीते हुए कल के लिए। बहुत छोटी की मात्रा थोड़ी स्पेलिंग देख लीजिएगा माफ करिएगा बीते हुए कल के लिए स्टडी का और आने वाले के लिए आने वाले कल के लिए टुमारो का। फाइन तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा समझ में आया होगा। देखिए ये पढ़ाई है ठीक है तो इसे हमें कंसंट्रेशन के साथ समझना पड़ेगा एक जगह बैठना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि ऐसे कैजुअली घूमते रहे म्यूजिक सुनते रहे और फिर सारी चीजें हो जाती ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें पढ़ाई करने के लिए पहले अपने आप को डिजर्व करना होगा कि नहीं मुझे ये करना है। देखिए डिजर्व और डिजायर जब ये दोनों चीजें आपके अंदर रहेंगी तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है इम्पॉसिबल बाबू अगर हम तो इसको अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल। ठीक है तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है बस अर्थ इतना है कि हमें उसके लिए
डिजायर और डिजर्व होना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, एंड आप सभी सज्जनों को नमस्कार।